आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो कैसे आप लोग, आज का हमारा क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 3 ओम मीटर एंड 4 ओम मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और जेई में नहीं तो बोर्ड में हमेशा आता ही है ये, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक टेम्परेचर रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो होती है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोड, है ना। मतलब रो इज इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोड, है ना। यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, यहाँ पे टी नोड, और अल्फा मतलब हो गया टेम्परेचर कोफिशियंट, और टी माइनस टी नोड हो गया। अब सबसे पहला जो रिलेशन है अपन को ये दिया हुआ है कि जो टी है, या मैं मान रहा हूँ कि जो रो नोड है वो 0 डिग्री पे है ना। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, जो रो है वो है 3 ओम मीटर, जो रो नोड है वो है रो एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जो अल्फा है वो अपन जानते नहीं है, और मेरे को मतलब भी नहीं है, क्योंकि देखो रो नोड निकालना होगा तो मैं इसको कर लूंगा सेटिस्फाई। और टी क्या है, टी है अपना 20 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले लेता हूँ मैं, है ना, 3 ओम के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, और टी नोड हो गया अपना 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अपन रो एट 0 डिग्री मान रहे हैं, तो ये हो गया, है ना। तो पहली रिलेशन क्या बनी अपनी, पहली रिलेशन बनी 3 इज इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा, और 20 माइनस 0 हो गया 20, है ना, ये पहली रिलेशन बनी। दूसरी रिलेशन क्या होगी, दूसरी रिलेशन ऐसे में बनाऊं तो रो हो गया 4 ओम मीटर, रो नोड वही रो एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा मुझे कोई मतलब नहीं है, टी इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा तो लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं और हटा दूंगा उसको, तो है ना इक्वेशन से ही, और टी हो गया अपना 100 डिग्री सेल्सियस, और टी नोड यहाँ पे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, 4 इज इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा 100, है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन को जो मेन है वो है रो नोड निकालना, तो अपन ये सोचते हैं रो नोड निकाल कैसे सकते हैं, डिवाइड कर दो दोनों को, नहीं फिर तो रो नोड कट जाएंगे दोनों तरीके। तो अपन क्या करेंगे, अपन अल्फा की वैल्यू को दोनों जगह इक्वल कर देंगे, मतलब इसमें जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 माइनस रो नोड, सॉरी 3 अपॉन रो नोड माइनस 1 बाय 20, है ना, और इसमें कितनी अल्फा की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 4 बाय रो नोड माइनस 1 बाय 100, है ना। ये कैसा आया, 4 अपॉन रो नोड माइनस 1 ये पूरा ब्रैकेट और अपॉन में 100, तो ये आ गया अल्फा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 बाय रो नोड माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 100, और फिर 100 को मैंने नीचे भेज दिया, तो इस तरीके से मैंने दोनों सॉल्व कर लिए। अब इससे रो नोड निकालना चाहते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं अपन, 3 माइनस रो नोड अपॉन 20, रो नोड से रो नोड कट जाएगा, 4 माइनस रो नोड अपॉन 100, है ना, और यहाँ रो नोड हो गया, जो दोनों कट गए, है ना। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 और ये 5 टाइम्स में गया, है ना, तो मतलब ये हो गया कि ये 15 रो नोड माइनस 5 रो नोड इज इक्वल टू 4 माइनस रो नोड, है ना, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 4 रो नोड, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो रो नोड है वो कितना हो गया, 11 बाय 4 ओम मीटर, है ना, तो रो नोड कितना आ गया अपना 11 बाय 4 ओम मीटर, है ना, इससे अपन ने निकाल सकते हैं 11 बाय 4, है ना, ओम मीटर। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हुआ, अपना सही ऑप्शन हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार अपन, तो अपना सही ऑप्शन हुआ है ए 11 बाय 4 ओम मीटर, है ना। तो रेजिस्टिविटी वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, मेन कैच इसमें ये फॉर्मूला था, इसके बाद जो भी है वो सब चीजें फॉर्मूले से डिराइव होती रहेगी। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।